बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, राजनीति की गला काट सोच की। देखिए आप हैरान हो जाएंगे अगली खबर देखकर। केवल एक सिंबॉलिक वीडियो नहीं है, ये हिंसा भड़काने वाला वीडियो है और ये बारबेरिक आईसिस स्टाइल एग्जीक्यूशन करवाने की एक प्रकार से प्रेरणा देने वाला वीडियो है। Those people who are opposing Annamalai to go any extent, any level possible to finish Mr. Annamalai. This is not the way to oppose. If you want to oppose, oppose face to face. और आज राजनीति की देखिए सबसे ट्रेंडिंग वीडियो दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु से आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को आप देश की राजनीति की सबसे भयानक तस्वीर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में कुछ लोग हाथ में धारदार, वीडियो दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, वीडियो में हाथ में धारदार लिए एक व्यक्ति जो है। अच्छा एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता अन्नामलाई का भी बयान आ गया है। मतलब वहां पर जो गला काटा गया, दरअसल बकरे का गला काटा गया, बकरे के चेहरे पर अन्नामलाई की तस्वीर लगाई गई थी। अन्नामलाई बीजेपी नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था और तमिलनाडु बलिकांड वाले मामले में बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने विरोधियों को चुनौती दी है। अन्नामलाई ने कहा है कि मासूम बकरियों का गला काटने वाले विरोधी उनके सामने आए। ये देखिए वो तस्वीर, ये खौफनाक वीडियो है, दर्दनाक वीडियो है, बेजुबान बेकसूर का गला काटा गया। लेकिन ये देखिए पहले जो गले पर अन्नामलाई की तस्वीर लगाई गई थी, बीजेपी के नेता अन्नामलाई जिन्होंने दक्षिण में भारत, मतलब दक्षिण भारत में कमल खिलाने का काम किया एक तरीके से, वो खुद नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से गर्दन काटी गई, गला काटा गया, लेकिन सांकेतिक रूप से अन्नामलाई की गर्दन काटने की कोशिश की गई, ये दिखाने की कोशिश की गई। देखिए अन्नामलाई ने कहा कि मैं यहीं पर हूँ। इससे पहले बीजेपी ने इस घटना को बर्बरतापूर्ण और आईएसआईएस की तरह नफरत वाला बताया। बीजेपी ने कहा है कि जीत का जश्न मनाने के लिए विरोधियों ने बकरे के गले में बीजेपी के नेता अन्नामलाई, ये देखिए आप बीजेपी के नेता अन्नामलाई की तस्वीर टांगी, उसका गला काटा। बीजेपी ने कहा है कि डीएमके ने पहले भी बकरी पालन को लेकर अन्नामलाई का मजाक उड़ाया था, यह हिंसा भड़काने की कोशिश है। बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी ने यह भी कहा है कि विरोधियों ने जिस तरह अन्नामलाई की तस्वीर लगाकर बकरी का गला काटा है ना, उसी तरह अगर सनातन विरोधी पार्टियां सत्ता में आई तो हिंदुओं का गला काटा जाएगा। सवाल तमिलनाडु सरकार पर है, क्योंकि घटना 4 जून की बताई जा रही है, 4 जून की, जब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई कोयंबटूर से चुनाव हार गए, उसी के बाद जीत के जश्न में अन्नामलाई की तस्वीर बकरे के गले में टांग कर वहां पर गला काटा गया। उनकी एक तस्वीर बकरे के गले में डालकर बकरी का गला काटा गया। जिन लोगों ने बीजेपी को एक गला काट मैसेज देने की कोशिश की गई है, उनके चेहरे आराम से इस वीडियो में पहचाने जा सकते हैं। सवाल यह कि तमिलनाडु पुलिस ने क्या यह क्रूरता करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की या नहीं की, क्योंकि इस भयावह घटना को 48 घंटे हो चुके हैं। बीजेपी का भी रिएक्शन आया है, शहजाद पूनावाला की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर रिएक्ट किया गया है। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी और अन्नामलाई को विरोधियों ने यह गला काट मैसेज इस बात से चिढ़कर दिया, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। राज्य में बीजेपी ने भले ही कोई सीट ना जीती हो, लेकिन अन्नामलाई की मेहनत की वजह से पार्टी को राज्य में 11.5% वोट मिले, 11.25%, जबकि 2019 के चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 3.5% था। इसके अलावा बीजेपी को दक्षिण में कितने वोट मिले आप जानते हैं? दक्षिण में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बताऊंगा। बीजेपी को दक्षिण भारत में 130 सीटें ना वहां पर 3.96 करोड़ वोट मिले, कांग्रेस को कितने मिले हैं? बीजेपी तो दक्षिण की पार्टी नहीं है ना, ये कहा जाता है ना, कांग्रेस को मिले 3.82 करोड़, बीजेपी को कितने मिले 3.96 करोड़, यानी 14 लाख वोट ज्यादा। ये फर्क तब है जब दक्षिण भारत के 130 में से 94 सीटों पर चुनाव लड़ा था किसने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने 88 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वैसे आप हैरानी की बात यह है कि डीएमके समेत विपक्ष के किसी भी बड़े नेता का बयान इस वीडियो को लेकर अब तक सामने नहीं आया है। इंडी गठबंधन के किसी नेता ने इस वीडियो की आलोचना की नहीं की है, जबकि इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव में भाईचारे की बात कर रहा था। लेकिन गला काट कट्टरता या सांकेतिक रूप से बीजेपी नेता अन्नामलाई की गर्दन काटने की कोशिश वाला ये वीडियो, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस क्रूरता में विपक्ष को नफरत लगातार नहीं दिखाई देती नजर आ रही है।
बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर जो कहा है वो भी ध्यान देने वाली बात है। शहजाद की तरफ से भी कहा गया है कि अभी ये सत्ता में नहीं है तो ये हाल है, अगर सत्ता में आते तो फिर सनातन विरोधी जो है वो हिंदुओं का गला काटते हैं।